हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे यहाँ पर फॉर्मिंग टूल और शीट मेटल का शीट के बारे में। फॉर्मिंग टूल क्या होता है, चलिए जानते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये फॉर्मिंग टूल है और इसे यूज करते थे। यहाँ पर आपसे स्टॉपिंग फेस और फेस टू रिमूव पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले मेरे पास यहाँ पर ये प्राइमरी शीट है और इस पर कुछ स्केच करना चाहते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले इसे क्लिक करेंगे और स्केच में जाएंगे। स्केच में जाने के बाद एक्चुअली हम क्या बना रहे हैं, यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर एक डाई बनाना होता है। जो फॉर्मिंग टूल के थ्रू हम डाई दे सकते हैं, कुछ ऐसा से बना सकते हैं। अगर खुद का अगर नहीं बनाते हैं तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे, डिजाइन लाइब्रेरी है यहाँ पर, इसे क्लिक करेंगे और डिजाइन लाइब्रेरी के अंदर आपको बहुत सारे टूल्स यहाँ पर मिल जाएगा। ओके, देख सकते हैं यहाँ पर डिजाइन लाइब्रेरी के थ्रू। डिजाइन लाइब्रेरी में एनोटेशन, मोशन, पार्ट्स, रूटिंग, स्मार्ट कंपोनेंट्स, फॉर्मिंग टूल्स, या देखिए फॉर्मिंग टूल यहाँ पर भी है। फॉर्मिंग टूल्स का अलग से ये बना हुआ है। अगर इसे क्लिक करते हैं, रिप्स है, एम्बॉसेस बहुत सारा यहाँ पर आपको इस तरह का मिल जाएगा। आप यहाँ से जिस तरह का चाहते हैं वो यहाँ से फॉर्मिंग टूल ले सकते हैं। अगर इसे चाहते तो जस्ट ड्रैग और यहाँ पर ड्रॉप कर देना है तो ये यहाँ पर आ गया। ओके, और इसे यहाँ से पोजीशन भी दे सकते हैं, कहाँ से कहाँ अगर पोजीशन देना चाहते हैं तो सेम है। स्मार्ट डायमेंशन में जाएंगे, सबसे पहले इसे नॉर्मल कर देंगे यहाँ से, और उसके बाद कहाँ से कहाँ आप देना चाहते हैं इसका वैल्यू यहाँ दे सकते हैं 70। उसके बाद पोजीशन देने के बाद ये देख सकते हैं, ये आपका यहाँ से क्रिएट हो जाता है। इस तरह का डाई फॉर्मेट क्रिएट करने के लिए यूज होता है एक्चुअली। तो यहाँ पर बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का आपको मिल जाएगा। डिजाइन लाइब्रेरी के अंदर जिस टाइप का चाहते हो वो टाइप का यहाँ से ले सकते हैं। देख सकते हैं इस तरह का चाहते तो इस तरह का यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। इसका पोजीशन दे सकते हैं, एंगल दे सकते हैं यहाँ से, और सिंपली यहाँ से ओके करते हैं। फॉर्मिंग टूल कॉन्फिगरेशन है ये। और अगर खुद का डाई बनाना चाहते हैं, खुद का अपना शेप बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर फॉर्मिंग टूल के थ्रू क्या करेंगे, सबसे पहले स्केच में जाएंगे, स्पेस को सिलेक्ट करेंगे और जिस तरह का स्केच चाहिए, जिस तरह का आपको फॉर्मिंग टूल चाहिए उस तरह का यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। ओके, सिलेक्ट कर लिया। ओके, इसके बाद यहाँ पर फीचर्स में जाएंगे, इसे यहाँ से एक्सट्रूड करेंगे, एक्सट्रूड, यहाँ से मैंने इसे एक्सट्रूड कर दिया, सिंपली ओके कर दिया। जिस शेप का बनाना चाहते हो वो शेप का यहाँ पर अभी हम बना रहे हैं, ये मैंने बना लिया। इसके बाद शीट मेटल में जाएंगे, फॉर्मिंग टूल में जाएंगे, यहाँ पर स्टॉपिंग फेस, तो इस फेस को रखेंगे, मेरा ये फ्लैट फेस प्राइमरी शीट है उसे सिलेक्ट करेंगे। अब फेस टू रिमूव, इस फेस को रिमूव करना है तो इसे रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, नहीं तो छोड़ देंगे। मुझे इस तरह का डाई क्रिएट करना है, सिंपली यहाँ पर ओके करेंगे, ये हमारा डाई क्रिएट हो गया है। अब इसके बाद क्या करेंगे, फॉर्मिंग टूल में जाएंगे, डिजाइन लाइब्रेरी में जाएंगे और ये हमारा फॉर्मिंग टूल है। ओके, और इसे हम यहाँ पर सेव करना चाहते हैं। ओके, तो यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर इसे कंट्रोल सेव, सेव एज में जाएंगे यहाँ से, और यहाँ पर जो सेव एज टाइप है इसे हम फॉर्म टूल में रखेंगे। यहाँ पर फॉर्म टूल है, इसे क्लिक करेंगे, ये यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर डिजाइन लाइब्रेरी के अंदर ये सेव हो चुका है फॉर्म टूल। इसका जो नाम रखना चाहते हैं रख सकते हैं, न्यू टूल के नाम से मैंने सेव कर दिया है, ये डिजाइन लाइब्रेरी में ये सेव होगा। सिंपली यहाँ पर ओके कर देंगे, सेव कर देंगे, ये सेव हो चुका है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, डिजाइन लाइब्रेरी में जाएंगे, न्यू टूल के नाम से ये सेव हो चुका है। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसे हम बैक करते हैं, यहाँ से न्यू पेज ओपन करते हैं। न्यू पेज ओपन करने के बाद यहाँ से फिर से हम प्राइमरी शीट यहाँ से सबसे पहले स्केच करते हैं, ओके, शीट मेटल
बेस, इसको सिलेक्ट करते हैं सिंपली, ये हो गया ओके। और मुझे फॉर्मिंग टूल चाहिए, तो यहाँ पर डिजाइन लाइब्रेरी में जाएंगे, जो मैंने क्रिएट किया था न्यू टूल के नाम से वो यहाँ पर है, इसे यहाँ से ड्रैग करेंगे यहाँ पर रख देंगे, तो आप देख सकते हैं ये यहाँ पर आ गया, लेकिन इसका पोजीशन सही नहीं है ओके। तो यहाँ से पोजीशन दे सकते हैं इसका, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस दे सकते हैं, यहाँ से स्मार्ट डायमेंशन में जाएंगे, इसका डिस्टेंस दे सकते हैं जितना डिस्टेंस देना चाहेंगे, ये यहाँ पर रख सकते हैं 60 दे देते हैं इंटर, इस तरफ थोड़ा और इस तरफ रखते हैं क्योंकि ये इस तरफ आ जाए, 40 इंटर ओके, यहाँ से ओके करते हैं और यहाँ से ओके करते हैं। आप देख सकते हैं जिस तरह का मैंने डाई क्रिएट किया था, ये डाई यहाँ से क्रिएट, यहाँ से फॉर्म हो चुका है। तो आप इस तरह से फॉर्मिंग टूल का यूज कर सकते हैं, जिस तरह का शेप देंगे उस तरह का यहाँ पर शेप क्रिएट हो जाएगा। याद रखें फॉर्मिंग टूल से क्रिएट करने के बाद सेव करना होता है फॉर्म टूल में, उसके बाद फिर से नया शीट लेंगे, उसके बाद वो यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक दिख जाएगा, आप वो यहाँ से ले सकते हैं। अगर नहीं दिखेगा तो यहाँ से आप रिफ्रेश कर सकते हैं, तो ये आपको न्यू टूल यहाँ से दिख जाएगा ओके। यहाँ पर सेव करेंगे वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा, और इस तरह का टूल यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। अगर ओपन करना चाहते थे तो यहाँ से ओपन भी कर सकते थे, जो वो ऑप्शन था ओपन करने का। तो फाइनली हम लोगों ने फॉर्मिंग टूल के बारे में जाना, इसे किस तरह से यूज किया जाता है, और अब हम जानते हैं शीट मेटल गसेट के बारे में। गसेट का मतलब होता है रिब स्टिफनर, जो हम लोगों ने रिब पढ़ा है, स्टिफनर पढ़ा है, उसी तरह ये गसेट भी होता है। तो ये शीट मेटल में काम आता है, शीट मेटल में एल शेप को या कोई भी ऐसा इस तरह का शेप अगर होता है, दो दो शीट होता है, तो उसे सपोर्ट करने के लिए ये गसेट का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे शीट मेटल गसेट में जाएंगे, और जहाँ पर आप यहाँ पर अगर देखते हैं फेस, यहाँ पर पूछा जा रहा है कौन से फेस पर आपका सपोर्टिंग होगा, वो फेस आपसे यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये क्रिएट हो गया ओके। दो फेस यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे सपोर्टिंग फेस, तो इस तरह का आपका गसेट रिब टाइप का ये क्रिएट हो जाएगा। और इसे आप पोजीशन देना चाहते हैं, ऑफसेट करना चाहते हैं, किस तरफ रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं। यहाँ से ऑफसेट का जस्ट किस तरफ होगा, अपोजिट होगा इसके, और यहाँ पर इसका वैल्यू भी दे सकते हैं, किस तरह बार आप यहाँ पर रखना चाहते हैं ये रिब, वो यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। प्रोफाइल डायमेंशन, इसे अगर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं ये ऊपर का इशू है रिब, ये यहाँ से यहाँ तक हाइट आएगा। डी टू अगर आप देखते हैं तो डी टू ये आपका बढ़ेगा, और इसका एंगल भी बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलेगा, ये राउंडेड गसेट चाहिए या फ्लैट गसेट चाहिए, या फ्लैट गसेट आपको इस तरह से मिलेगा सेम स्टिफनर की तरह, और यहाँ से राउंडेड गसेट भी ले सकते हैं। राउंडेड गसेट में अगर करते हैं तो फिर यहाँ पर एक ऑप्शन आता है, आप इस तरह से इसे यहाँ से इसका डायमेंशन चेंज कर सकते हैं, इंडेंट थिकनेस यहाँ से चेंज कर सकते हैं इसका ओके, इनसाइड का थिकनेस ये सब होता है। उसके बाद यहाँ पर इसे आप ड्राफ्ट भी कर सकते हैं, यहाँ से बहुत सारा ऑप्शन मिलता है ड्राफ्ट भी करने का, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है, जिस तरह का ड्राफ्ट चाहिए आप यहाँ से ड्राफ्ट कर सकते हैं इसे ओके। ओके तो ये देखिए किस तरह से ये रिब यहाँ से क्रिएट हो गया है, यहाँ पर ये सब थिकनेस इंडेंट थिकनेस ये सब होता है। तो जिस तरह का आपको शेप चाहिए उस तरह का शेप यहाँ से वैल्यू जो रहेगा डाटा, उसके थ्रू इस तरह का आप गसेट क्रिएट कर सकते हैं। तो गसेट क्रिएट करने का ये होता है किसी भी दो सीट के सपोर्ट करने के लिए एक्चुअली यूज होता है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, बाय बाय।